लॉकडाउन के खत्म होते ही राज्य में रोजगार मेला लगाकर युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। इसकी शुरुआत रांची के मोरहाबादी मैदान से होगी। इस मेले में युवाओं के कौशल के अनुसार उन्हें रोजगार मिल सकेगा। इसके साथ ही मजदूरों को पंचायत स्तर पर ही रोजगार मुहैया कराया जाएगा। ये बातें राज्य के श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने कही। उन्होंने कहा है कि सरकार मजदूरों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हर संभव काम कर रही है। जो प्रवासी मजदूर हैं या जो बाहर से भी यहां आकर काम करना चाहते हैं, उन्हें सरकार रोजगार से जोड़ेगी। उन्होंने कहा है कि यदि मजदूरों को सरकारी योजनाओं के सभी लाभ लेने हैं तो पहले उन्हें अपना निबंधन कराना होगा। देखिए, डेढ़ वर्षों में कोरोना काल में जितने मजदूर दूसरे प्रदेशों से, कुछ अपने भी आए, कुछ राज्य सरकार भी लाने काम किया, और जो लोग अपने स्वरोजगार करते थे, जिनके पास हुनर है, वैसे लोग बहुत चले भी गए हैं जिस जगह पर काम करते थे, और वापस भी हो गया, और निबंधन भी हम लोग जो सो से कराए भी। और स्थानीय स्तर पर जिस जिला के जो मजदूर काम करते हैं, जो बाहर में काम करते, जो चाहे कि हम अभी नहीं जाएंगे, शायद फिर कोविड बढ़ जाएगा, फिर भगदड़ हो जाएगा, तो हमको यहाँ रोजगार चाहिए, तो उसके अनुसार विभिन्न जिलों में झारखंड सरकार द्वारा मनरेगा योजना से जूझ स्तर पर पौधारोपण कार्यक्रम किया जा रहा है, और लगभग लोग को रोजगार दिया गया है। हमें लगता है कि पूरा जो ग्रामीण विकास का आंकड़ा है लगभग 6 लाख का है, लेकिन अपने जिला में हम जिस जगह का प्रखंड में कई जगह घूमते रहते हैं, हर जगह पूरा जो 3 एकड़, 4 एकड़, 6 एकड़ में पूरा पौधारोपण कार्यक्रम चल रहा है हरित क्रांति के द्वारा, और सबको रोजगार मिला हुआ है। और लेबर कई कैटेगरी है, जो सामान्य मजदूर है जो 8,000-9,000 महीना काम करता है, कोई प्लेम्बर मिस्त्री है, कोई बिजली मिस्त्री है, कोई सिलाई मशीन काम जानता है, कोई NM का है, तो बहुत तरह काम, बहुत तरह का हैंड है। लेकिन अभी अफरा तफरी नहीं है, सामान्य स्थिति है, अपने इच्छा से लोग गए भी हैं, काम कर रहे हैं, और अपने जिला स्तर पर भी लोग काम कर रहे हैं, जो जाना चाहे उसमें भी रोक नहीं है। अब रह गई कि श्रम विभाग के द्वारा योजनालय के माध्यम से रोजगार मेला लगा करके हम लोग विभिन्न जिलों में विभिन्न कंपनियों का मदद करते थे, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करते थे, रोजगार से जोड़ते थे, अभी बंद है। फिर भी हम लोग लगभग आदेश दिए थे बीच में कि अभी बेरोजगारी का आलम है, आपको कंपनी का जरूरी है, तो प्रखंड स्तर पर आप कैंप लगा करके, रोजगार मेला नहीं लगा करके, भर्ती कैंप लेकर के विज्ञापन निकालिए और लोगों को सिलेक्शन कीजिए। तो इस लगभग लगभग जिलों में किया गया प्रखंड में भर्ती कैंप, तो लगभग 6,000 लोग विभिन्न कंपनी में जा करके काम कर रहे हैं, उसका डाटा आपको विभाग से मिल जाएगा। और जब राज्य ओपन हो जाएगा तो हम लोग जिला स्तर पर रोजगार मेला लगा करके रोजगार से जोड़ने का पूरा काम करेंगे। और अभी स्किल डेवलपमेंट भी बंद है, ट्रेनिंग का काम चल नहीं रहा है। मेरा पूरा प्रयास हुआ कि प्रत्येक जिला के प्रत्येक प्रखंड में प्रशिक्षण केंद्र खुले, और जितने युवा युवतियाँ जो बेरोजगार है, पढ़ लिख करके घर में बैठे हुए हैं, जिसको हुनर चाहिए, वो सिलाई मशीन काम सीखना चाहती है, कोई NM नर्स का ट्रेनिंग सीखना चाहती है, वो ड्राइवर चालक बनना चाहता है, तो जो भी वो अपना हाथ का हुनर सीखना चाहे, उसको हम लोग ट्रेनिंग देंगे, 3 महीने का, भोजन देंगे, सर्टिफिकेट देंगे, कपड़ा देंगे। और फिर ट्रेनिंग देने के बाद पर राज्य में कितने ट्रेनिंग प्राप्त लोग किए, कितने हजार या लाख में, फिर उन लोगों को किस कंपनी में कैसे जोड़ा जाए, इसके लिए फिर हम लोग विज्ञापन निकालेंगे, और हरेक जिला में रोजगार मेला लगा कर सभी को योग्यता के अनुसार, हुनर के अनुसार हम लोग उसको रोजगार से जोड़ने का काम करेंगे।